नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ है। तो कल जो है मैंने आपको बताया था कि जेएनयू का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक वैसे ही आपका जो ड्यू है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, उसमें भी आपका सीयूईटी पीजी अर्थात जो एमए का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप में से जिनका स्कोर कम है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया मेरा बहुत कम मार्क्स आया है तो मैं क्या करूं, किसकी कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करूं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि जेएनयू में हो पाएगा और बीएचयू में भी जो है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो ऐसे में आपको डीयू जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि डीयू में जो है वो लगभग 300 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। जिसमें नॉर्थ कैंपस में कुछ कॉलेज वगैरह है और साउथ कैंपस में भी कुछ अच्छे कॉलेज हैं, तो अगर आप चाहें तो डीयू में भी जो है अपना पीजी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। फिर और ये जो आपका रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो आपका है 10 अगस्त, ठीक है। 10 अगस्त तक जो है आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी। और रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो डीयू है उसमें थोड़ा बहुत जो है लिविंग कॉस्ट है या फिर जो आपका एडमिशन फी है वो थोड़ा ज़्यादा है बीएचयू और जेएनयू के मामले में, क्योंकि जो डीयू है उसमें रहने का भी खर्च आता है। आपको हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी नहीं है उतना, क्योंकि जगह कम होने के कारण उतना हॉस्टल नहीं है, तो आपको रूम या रेंट पे लेके या फिर पीजी में रहना पड़ेगा, खाना बनाना भी बनाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपके ये माइंड में आप बैठा लीजिए कि अगर आप डीयू में जाते तो थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा खर्च होगा जेएनयू और बीएचयू के मामलों में, ठीक है। और वही अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो कल से 27 से 10 तारीख तक है, 10 अगस्त तक, उसके बाद आप करेंगे रजिस्ट्रेशन और उसके बाद जो लिस्ट आएगी, तो पहली लिस्ट जो है वो आपकी आएगी 17 अगस्त को, ठीक है। 17 अगस्त को आपको मतलब कि 10 10 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक एक हफ्ते बाद 17 तारीख को आपका जो है जो लिस्ट है वो आएगी। और लिस्ट आने के बाद आपका जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है वो है 22 अगस्त, ठीक है। 22 अगस्त तक जो है आपका पूरा जो है एडमिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड लिस्ट है वो आपका उसके नेक्स्ट वीक में आएगा, अर्थात 25 अगस्त को जो है आपका सेकेंड लिस्ट आएगा। मान के चलिए जिसका फर्स्ट लिस्ट में नहीं हो पाता है उनका सेकेंड लिस्ट में नाम आएगा, 25 अगस्त को जो है वो सेकेंड लिस्ट आएगी। और वही जो थर्ड लिस्ट है वो आपका 4 सितंबर में आएगा। तो मुझे लगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को दे देनी चाहिए, और जो लोग जो आपके मित्रगण डीयू में लेने का सोच रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने का जो दायित्व तो है वो आपका है। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यही टाइम है। एक बार अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बंद हो गया फिर आप चाह कर भी जो है एडमिशन नहीं ले सकते, इसीलिए रजिस्ट्रेशन करके रखिए। क्या पता कहीं ना हो तो डीयू बेहतर है। डीयू जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और काफ़ी एक नाम भी है और अच्छा, मतलब बहुत अच्छा एक यूनिवर्सिटी, रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप चाहें तो डीयू में भी जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की जो एडमिशन से रिलेटेड आपकी जो न्यूज़ वगैरह है आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतने, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।